अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। वेन्यू जो है वो पटना में है, पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा। तमाम विपक्षी दलों की बैठक अब बिहार में होगी। 12 जून की जो तारीख टली है उसके बाद 23 जून की तारीख तय हुई है और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी से सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। सहमति दे दी और इसकी आधिकारिक सूचना जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की है। तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने साफ बता दिया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सहित विपक्ष के वो कई जो चेहरे हैं जिनसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले मुलाकात कर चुके हैं, वो तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे और 23 जून को बिहार की धरती से हुंकार भरा जाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसके भी दावे किए गए हैं। ललन सिंह और तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उस पूरे बयान को सुनिए। आप लोगों को आमंत्रित किया गया यह बताने के लिए कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई, लेकिन उस स्थिति को कई नेता, जो माननीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं कई, उनको असुविधा हो रही है उस स्थिति को यहाँ आने में, इसलिए अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है, शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है, एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है, सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है, सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दी है और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, यह तय हो गया है और सभी नेताओं की सहमति प्राप्त हो गई है। यही बताने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया है। को राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के सांसद आदरणीय श्री ललन बाबू जी ने आप लोगों के समक्ष रखा है। कई बातें मीडिया में होकर के आ रही थी लेकिन तिथि अब स्पष्ट हो गया है। 12 तारीख को इंगेज कुछ जो लीडर, उनकी अपनी प्रेयर इंगेजमेंट रही, इस वजह से आने में थोड़ी असुविधा थी, लेकिन सबका राय बना कि सब पार्टी के जो हेड हैं वो रहें, उसी तिथि को बैठक जो है बुलाई जाएगी। तो तय हो गया है, वेन्यू जो है वो पटना में है, पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष जो लाइट माइंडेड पार्टीज़ जो हैं उन सब को जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए।
तो हमको लगता है कि सभी लोगों का प्रयास इसमें लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, उनके साथ हम खुद कई जगह पर कई नेताओं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई, और हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है तो एक बड़ी अच्छी खबर है। और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा, और बाकी बात तो बैठक होगी उसके बाद जो है बात आप लोगों से किया ही जाएगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया ताकि आप सब लोगों को हम लोग सूचित कर दें। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।